नमस्कार, मैं अंजलि रावत स्टोरी हाउ में आपका स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा को लोगों ने हमेशा उनके दमदार काम के लिए खूब सराहा है। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर फिल्में चुनी है और फिल्मों में अपनी पूरी जान झोंकी है। अब रणदीप भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक नायकों में से उस एक की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसकी शख्सियत राजनीति और इतिहास में विवादों का भी खूब हिस्सा रही है। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर का ट्रेलर आ गया है। इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे और इसमें विनायक दामोदर सावरकर के रोल में उन्हें देखकर जनता बहुत इम्प्रेस हुई थी। सावरकर के ट्रेलर में रणदीप को देखने के बाद फिल्म देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। वहीं ये फिल्म कुछ टाइम के लिए टली और अब आखिरकार बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। रणदीप अपनी शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए हमेशा जनता के फेवरेट एक्टर रहे हैं। आपको बता दें कि रणदीप इस फिल्म में अब डायरेक्टर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर में सिर्फ लीड रोल ही नहीं निभाया बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया है। जब ये फिल्म अनाउंस हुई तो इसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसकी वजह रणदीप से अपना क्रिएटिव डिफरेंस बताया। महेश ने ये भी कहा था कि फिल्म मेकिंग के दौरान रणदीप अपने किरदार सावरकर को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगे और फिल्म में बहुत ज्यादा बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया। महेश के जाने के बाद सावरकर की कमान रणदीप ने ही संभाली। सावरकर फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल वीर सावरकर के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में उनका किरदार निभा रहे हुड्डा ने खुद को इस रोल के लिए जितना ट्रांसफॉर्म किया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। पूरा ट्रेलर ही रणदीप के जानदार काम की गवाही दे रहा है। हम सबको पता है भारत को आजादी अहिंसा से मिली है, ये वो कहानी नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। वहीं पहले ये फिल्म 2023 में रिलीज होनी थी मगर इसके राइट्स को लेकर रणदीप हुड्डा का प्रोड्यूसर से विवाद हो गया। रणदीप ने फिल्म के लिए काफी मेहनत की थी और एक महीने में 26 किलो वजन भी कम किया था, मगर उन पर ये आरोप लगा कि मेकर्स फिल्म में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद हुड्डा ने ही फिल्म प्रोड्यूस भी की। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवाद पर फैसला देते हुए तय किया कि सावरकर के रिवेन्यू में 70% का हिस्सा रणदीप का होगा और 30% बाकी दोनों प्रोड्यूसर्स का होगा। अब आखिरकार शहीदी दिवस के मौके पर 22 मार्च को सावरकर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे स्टोरी हाउस।